हेलो एवरीबाडी हाउ आर यू ऑल आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़ सो टुडे आई हैव अटेम्प्टेड टू मॉक टेस्ट फर्स्ट इज़ आर बी एस असिस्टेंट प्रिलिम्स एंड सेकेंड वन इज़ ई यूडीसी आई ठीक है बिकॉज आज ई के एडमिट कार्ड्स भी आउट हो चुके हैं आई थिंक यूडीसी डी का हुआ अभी तो मेरा तो एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में है एंड नाइनटीन को ही है सारे एग्ज़ाम तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम किस शिफ्ट में पड़ रहा है ठीक है एंड यू का जो मॉक है उसमें किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैम अगर ज़्यादा देर आप नहीं बैठ सकते तो मतलब सेक्शन में आप डिवाइड कर सकते हैं लाइक जी एंड इंग्लिश ऐसा करके फिफ्टीन फिफ्टीन मिनट्स में आप स्लॉट्स बना के दे सकते हैं तो वैसे ही दिया मैंने ई का और आर बी असिस्टेंट का तो मैंने फुल दिया था ठीक है सो so, पहला आर बी असिस्टेंट का देखते हैं एंड ये सारे मॉकट्स जो हैं दोनों ही मतलब टेस्ट जोन के हैं स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट है ये जिस जो पहला टेस्ट होता है फ्री होता है सारी सारी वेबसाइट पे पहले जो मॉक टेस्ट होते हैं फ्री होते हैं एंड uh, पहला मॉक टेस्ट आई थिंक थोड़ा इजी भी होता है जो कि मुझे लगा इसमें मतलब इजी था बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था इंग्लिश भी बहुत ईजी थी ठीक है तो जिन लोगों के पास नहीं भी है टेस्ट जोन के मॉक टेस्ट तो पहला टेस्ट फ्री होता है सभी के लिए तो आप लोग अटैम्प कीजिएगा अपने स्कोरस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों का क्या स्कोर रहा है दोनों टेस्ट में ठीक है तो इंग्लिश सेक्शन में मैंने फुल अटम किए थे जिसमें से थ्री क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं एंड स्कोर जो बना है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट टू फाइव क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने किए थे ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन जिसमें से थ्री रॉन्ग हो गए हैं रीजनिंग में मैंने किए थे थर्टी फोर एंड उसमें भी फोर क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं ये जो कॉन्ट एंड रीजनिंग मिस्टेक हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी अदरवाइज स्कोर्स बहुत अच्छे होते लेकिन यही गड़बड़ हो गई ठीक है हो सकता हो कॉन्ट्रेक् सेक्शन में मुझे कुछ सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा ट्रिकी लगे थे उसमें पॉइंट एंड रूट उट करके दे रखा था थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजिंग लग रहा था बट हो सकता वही गलत हुआ क्योंकि और डी वगैरह सिंपल थी तो उसमें रॉन्ग होने का कोई मतलब नहीं बनता और रीजनिंग एबिलिटी में पता नहीं कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हो गए ठीक है आई थिंक जो लास्ट में सीरीज़ थी कुछ वर्ड वाली उसमें मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि वर्ड जो ऐड करना था एक वर्ड कि आर को फर्स्ट वर्ड की जगह रिप्लेस करना है या फर्स्ट वर्ड के पहले ऐड करना है ऐसे करके कोई क्वेश्चन था तो उसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था क्योंकि उन्होंने लिख नहीं रखा था वहाँ पर कुछ भी तो हो सकता है वही क्वेश्चन गलत हुए एनी वे मिस्टेक तो मिस्टेक होती है ऐसी एक्यूरेसी अगर एग्ज़ाम में रहती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम क्वालीफाई करना ठीक है क्योंकि कॉन्ट एंड रीजनिंग तो आपकी फुल एक्यूरेसी होनी ही चाहिए और इंग्लिश में एक दो क्वेश्चन भी अगर मतलब रॉन्ग होने चाहिए ज़्यादा नहीं अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्ट होगा तो एक्यूरेसी मेरी बहुत गंदी हो चुकी है जिसे मैंने मुझे उम्प्रूव करना है ठीक है तो ओवरऑल जो स्कोर बना है एट्टी पॉइंट फाइव सो एक्यूरेसी भी एट्टी नाइन है ज़्यादा अच्छी नहीं एक रही कॉन्ट एंड रीजनिंग में तो बहुत बेकार हो गया एंड परसेंटाइल टाइल नाइन्टी टू पॉइंट सेवन टू परसेंट ठीक है तो आप लोग अपना ज़रूर बताइएगा अरबे असिस्टेंट वाले में आपका क्या रहा और दूसरा था ई एस आई सी का सॉरी तो so, इसमें जो स्कोर्स रहे हैं मेरे वन फिफ्टी थ्री कट ऑफ थी वन हंड्रेड ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो इसमें तो ठीक रहा है बाकी इसमें भी रॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं ठीक है जी ए में फाइव क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं मैंने फोर्टीन क्वेश्चन ही किए थे मुझे नहीं आ रहे थे तो मैंने फोर फाइव क्वेश्चन में गेस भी किए थे ठीक है स्टैटिक पोर्शन काफ़ी देर रखा था करंट अफेयर बहुत कमी थी तो उस वजह से रॉन्ग हो गए ज़्यादा मैंने इसलिए अटैम्प्ट भी नहीं किए और इंग्लिश क्वेश्चन में फाइव क्वेश्चन रॉन्ग हो गए बाकी कॉन्ट एंड रीजनिंग जितना मैंने किया था एक्ट है ठीक है तो वही रीजनिंग में ट्वेंटी फाइव किए थे वही फिफ्टी मार्क्स आए हैं एंड कॉन्ट uh, में ट्वेंटी फाइव किए थे और क्या बोलते हैं इंग्लिश में किया था मैंने पूरा किया था फाइव रॉन्ग हो गया तो थर्टी सेवन पॉइंट फाइव जीरो मार्क्स बने तो इंग्लिश भी अगर बहुत अच्छा हो जाता है तो ओवरऑल मार्क्स अच्छे बने क्योंकि जी का कोई भी भरोसा नहीं कर सकते एग्जाम में कैसी आएगी स्टैटिक पोर्शन भी है साथ में एंड जी का जो सिनेरियो बन चुका है कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता किस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमें अगर बेस मान के चलना है तो इन्हीं तीनों सेक्शन का करना है जीए वो सॉरी इंग्लिश कॉन्ट एंड रीजनिंग इन्हीं को बहुत अच्छे से स्ट्रॉग करके लेके जाना है ठीक है ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है जीए को अगर कवर करना भी चाहें क्योंकि मेरा दो मंथ का आई थिंक नहीं हुआ है फेबररी एंड मार्च का भी उधर थोड़ा सा जनवरी का भी तो अभी मैं नहीं कर पाई तो मुझे रिविज़न करने में भी टाइम लगेगा इसलिए मैंने नहीं रिस्क लिया है इसमें सो so, यही मार्क्स रहे ठीक है आप लोगों का जो भी परसेंटाइल जो भी स्कोर्स वगैरह रहे दोनों टेस्ट में जिन लोगों का भी ई एस लगा तो आप लोग जरूर दीजिएगा टेस्ट एंड अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा ओके सो so, मैंने भी स्टार्ट कर दिया है धीरे धीरे मॉक टेस्ट जरूर दूंगी क्योंकि ई एस में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है डेली एक एक करके दूंगी और हो सकता है स्लॉट बना के ऐसे ही अटैम्प करती रहूँगी और आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी आप लोग भी अटैम्प्ट कीजिएगा एंड अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा थैंक यू एवरीबॉडी एंड